Namaskar. Good morning, everyone. Myself, Harendra, senior lecturer from Dewan IHM Meerut. Today, I thank Amul for giving me the opportunity to present you a recipe on best shammi kebab with walnut chutney, which is based from Kashmir. So let's start with the mouth-watering recipe of shammi kebab and walnut chutney. The ingredients we are going to use in shammi kebabs are black chutney, kala chana, long, black pepper, red chili powder, sauce, dalchini, salt, chopped onion. Ramu ji saying hi chef, Nandini says hi chef. Say hi. Hi everyone. Chopped ginger, mint, chopped coriander and bay leaf. Rakesh ji saying nice. So for making shammi kebab, we have to soak our chutney for overnight. For 6 to 12 hours overnight. Then we have to boil it with four spices. With long, red chili powder, black pepper, cinnamon, green chili, sliced onion, bay leaf for four to five whistles until it gets fully cooked. Then we have to drain out the water and then we have to make a fine paste out of it. Either with the help of a mixer or with the help of a mincer. Vinod ji saying hi chef, Anil chef, hi. Hi Anil. Shrutija ji saying hello. So I have soaked the chutney and reserved it for 4 to 5 and it looks like. After mincing all the mixture will look like this. So now we are going to make it more appetite by adding some voice is not audible chef thoda sa hum log by adding some green chili, some ginger, some green coriander, mint leaves and a bit of roasted dark flour for giving it binding. Isko bandhne ke liye thoda taste dene ke liye hum bhuna hua besan use karenge. थोड़ा सा जिंजर, थोड़ी सी अनियन। शेफ रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक बार फिर से थोड़ा सा बता देंगे आप? डेफिनेटली। हाँ हाँ हिंदी में बताइए। मैंने चिकनी को बॉईल कर लिया है 4 to 6 विशल और उसके बाद एक पेस्ट टाइप बना लिया दो टाइप। उसके बाद हम इसमें इसको और इंटरेस्टिंग और थोड़ा और मॉडर्न बनाने के लिए थोड़ा सा चॉप अनियन यूज करेंगे। A bit of green chili, a bit of chopped ginger, some green coriander chopped, some mint, and some salt. Now we will mix it very well. अच्छे से इसको गूंथ लेंगे by adding some ground flour. ऑथेंटिकली जो हम शामी कबाब बनाते हैं वो बनाते हैं मटन, चना दाल एंड फोर स्पाइसेस। इसमें हम बाइंडिंग के लिए अगर कोई अंडे से किसी को परहेज नहीं है या अंडा खा सकता है तो एग को भी यूज कर सकते हैं टू गिव द बाइंडिंग। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये एक अच्छी सी बाइंडिंग बन गई है
और इसके बाद हम इसको हल्के से ग्रीस करके टिक्किया बना के डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं और शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। सो अब मैं इसको थोड़ा साइड में रख देता हूँ और हम लोग चलते हैं आगे वॉलनट चटनी के लिए। वॉलनट चटनी के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है वॉलनट 1 से 2 घंटा सोक किए हुए, 1 से 2 घंटा सोक किए हुए, थोड़ा सा हरी मिर्च 1 या 2, दो क्लोव गार्लिक, थोड़ा जिंजर एंड ए बिट ऑफ कर्ड टू इट। एंड देन वी विल ग्राइंड इट टू ए पेस्ट एंड ग्राइंड टू ए पेस्ट। आफ्टर ग्राइंडिंग पीसने के बाद कुछ ऐसी दिखेगी। उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे सॉल्ट हमारे स्वाद अनुसार, थोड़ा सा लेमन जूस, एंड वी विल मिक्स। एंड वी विल प्रेजेंट इट विद द तवा। तो ये हमारी चटनी हो गई है और ये हमारी कबाब के हमने टिक्की हो गई। अब हम इसको हल्का सा ऑयल लगा के हाथों पे छोटी छोटी बॉल्स के साथ इसको फ्लैट करके हाथ से ऐसे टिक्कियां बनाते हैं। साइज आप कैसा भी दे सकते हैं, गोल भी दे सकते हैं, लंबा भी कर सकते हैं, जैसा आप लोगों को सबको सूटेबल लगे। कुछ ऐसे टिक्के हम लोग बनाएंगे और इनको प्लेट्स में रखते हैं। Girjesh is saying hi. Chef, इसमें किसी की फिलिंग भी कर सकते हैं हम लोग? हाँ, हम इसमें फिलिंग दे सकते हैं, चीज की दे सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स की कर सकते हैं, या अगर आप चाहें जिंजर की कर सकते हैं, कोई भी चीज़ फ्रूट्स की कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन योर टेस्ट कि आपको क्या पसंद है, मीठा पसंद है, थोड़ा तीखा पसंद है, चीज़ी पसंद है, तो जैसा भी आप लोग चाहें वैसा हम इसको कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल यूज किया है, तो थोड़ा गर्म होने देंगे, उसके बाद हम टिक्कियों को सेफिंग। उत्सव तिवारी सिंह हाय शेफ, उत्सव
उनको सीखेंगे लोगों तरफ से कि जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो, जब तक हमारी टिक्कियाँ गोल्डन ब्राउन होती हैं तो वैसे भी सबको पता है कि कबाब या कोई भी खाना है हम लोग सबसे पहले अपनी पहले खुशबू से खाते हैं, फिर उसको वो दिख कैसा है आँखों से खाते हैं और सबसे बाद में अपनी जबान से टेस्ट करते हैं या जीभ से टेस्ट करते हैं। तो उसको मोर प्रेजेंटेबल बनाने के लिए मैंने कुछ डांसेस शॉट बना के रखी हुई हैं। कौन सा ऑयल यूज कर रहे हैं हम? We are using olive oil. We are using olive oil to make it more healthy. तो मैंने कुछ गार्निशेस हैं जो बना के रखी हुई है, इसमें प्याज का लच्छा है, कुछ टमाटर के फूल हैं, पुदीना है, गाजर की एक पत्ती बनाई है, मिर्च है, तो हम इससे इसको और अच्छे से गार्निश करेंगे। जो एक्सेस और पे हम उसको निकाल देंगे थोड़ा ताकि वो हमारी प्लेट पे ना आए। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारी टिक्कियाँ सीख रही हैं और साइड से ब्राउन हो रहा है, तो हम अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे अपनी चटनी। दो तरह की चटनी की है मैंने, इसमें फ्यूजन दिया है थोड़ा सा चटनी में, इसको मैंने मिंट के साथ भी बनाया, मिंट एंड वॉलनट चटनी। तो आप एक ही चटनी से दो बना सकते हैं, उसमें थोड़ा मिंट ऐड करेंगे तो थोड़ा ग्रीनिश कलर देगी और मिंट एंड वॉलनट चटनी बनाएगी। तो मैं दोनों यूज करूँगा प्लेटिंग के लिए ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कैसे अच्छे दिख रहे हैं, सिक रहे हैं, टूट नहीं रहे हैं, तो सबसे अब इसको हम थोड़ा और कर देंगे और थोड़ा सा सेकेंगे। इट्स वेरी हेल्दी, वेरी न्यूट्रिटिव, लेस ऑफ ऑयल इज यूज, चिक्पी, ग्राम फ्लावर, अनियन, गार्लिक, दे ऑल आर गुड फॉर आवर हेल्थ, फॉर कोलेस्ट्रॉल, फॉर ब्लड प्रेशर, शुगर, सो दीज आर ऑल यूज इन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इंडक्शन के ऊपर ये पका दिए हैं, अब मैं इनको थोड़ा सा और करके फिर इनको प्लेटिंग करता हूँ। Here, this way, and this way.
we can cook both of. So you can look how tempting it is looking. If you have any question, any queries regarding the recipe, you can contact me or you can contact the Facebook page. Now, I thank you all for doing this and visit and support Dewan IHM to grow as a number one institute in India. Thank you.